उसने पहली बार मम्मी बोला और मैं यहाँ शिफू के स्थान पे थी। ना बैठने का होश है, ना सोने का होश है, ना कोई खाने पीने का, लेकिन सरकार को इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है। सर, मेरा नाम रेखा मीणा है, मैं नीमका थाना से पहुंची हूँ। आज मुझे यहाँ पे लगातार आते हुए 14वां दिन है। हमें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के आए। उसने पहली बार मम्मी बोला और मैं यहाँ शिफू के स्थान पे थी। सबसे ज़्यादा दुख एक माँ जब अपना बच्चा पैदा करती है तो उसकी एक इच्छा होती है कि मैं मेरे बच्चे से मम्मी सुनूं। लेकिन जब उसने मम्मी बोला तो हम यहाँ पे इतनी बुरी स्थिति में, यहाँ टेंट के नीचे रात भर रुकते हैं, ना बैठने का होश है, ना सोने का होश है, ना कोई खाने पीने का, लेकिन सरकार को इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई मरे चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमने भी विश्वास अपने दिल में बांध रखा है कि हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमें हमारी नियुक्तियाँ, और सबसे ज़्यादा मैं फार्मासिस्ट कैडर से बिलोंग करती हूँ, हमारी तो अभी तक प्रोविजनल सूची भी जारी नहीं हुई है। जब तक हमें सरकार हमारी प्रोविजनल लिस्ट हमें हमारे हाथों में नहीं देती, तब तक हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि परिस्थितियाँ आदमी की कैसी रहती हैं वो डिपेंड करता समय पे, सिचुएशन पे। हाल फिलहाल आप यहाँ तक पहुँची हैं, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, क्या परिस्थितियाँ विशेष आपने समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या पारिवारिक परिस्थितियाँ रही होंगी आपके मदर फादर की, आपके मायका भी है, ससुराल भी है, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति कहीं ना बनी होगी, उसके बारे में थोड़ी डिटेल से बताएँ। मेरा जो परिवार है, मेरा जो मायका है, चलो उसमें मैं अगर बोलूँ, मेरे पापा एक गवर्नमेंट जॉब में है, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से रखा है, अच्छे से हमें एजुकेशन दी है। हम 5 भाई बहन हैं टोटल। पापा ने सबसे ज़्यादा अगर पैसा किसी पे खर्च किया है तो मेरे पे किया है, और वो आज मुझे सबसे ज़्यादा ताना इसी बात पे देते हैं कि इतना पैसा लगा के भी तू अगर आज धरने पे रोड पे बैठी है तो हमारे पैसा देने का और तेरी पढ़ाई करने का हम क्या करें। वो जो तूने डिग्रियां लेके तूने आज रख दी है अलमारी में, उन डिग्रियों का तेरे से क्या ही मतलब है। अब ससुराल की तरफ अगर हम आए तो वहाँ पे परिस्थिति इतनी सही है नहीं, क्योंकि मेरे ससुर और मेरे जो हस्बैंड है वो प्राइवेट सेक्टर से ही हैं, तो उन्होंने मेरे पे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी हुई है कि कब हमारी बहू, कब हमारी बेटी एक गवर्नमेंट सेक्टर में जाके अपनी जो मेहनत करी है, जिसके पीछे इसके पापा ने इतने पैसे लगाए हैं। हम सब जानते हैं कि हम एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हर किसी के पास इतना पुश्तैनी पैसा नहीं है कि आप पढ़ते जाओ हम लगाते जाएं। हमारे पापा ने हमारे पीछे बहुत मेहनत करी है, ससुराल वालों की मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई है। मैं जैसे यहाँ से जाती हूँ या उनका कॉल आता तो मुझसे वो एक ही क्वेश्चन करते हैं कि बेटा कोई पॉजिटिविटी है या नहीं है, और मैं हमेशा निराश होकर यही बोलती हूँ कि मम्मी अभी तक तो कोई भी सूचना ऐसी है नहीं, पता नहीं है कब तक और हम कब तक यहाँ पे इस तरह से जूझते रहेंगे। आपकी सहानुभूति जो है, आपका जो दर्द है, हम समझ सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल की व्यवस्था की बात करें, यहाँ के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। रात रात भर आप यहाँ पे रुकते हैं, आना जाना, लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको कि अब सरकार को मान लेना चाहिए आपकी बात को? बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निपटारा मिले, हम भी अपने घर पे जाएं, हम भी हमारे बच्चों को संभालें, लेकिन हमें लगता नहीं है, हमें ऐसा कोई आश्वासन यहाँ पे, हमें ऐसा कोई आश्वासन या फिर स्ट्रोंगली हमें कुछ यहाँ पे मिल नहीं रहा है कि हम उस चीज़ को लेके थोड़ी खुशियाँ भी मनाएं। क्योंकि हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमें लिखित रूप से अपने हाथों में कोई भी ऐसा सबूत ना दे दिया जाए जिसके भरोसे हम अपने घर पे जाके, क्योंकि वो रो ही रहे हैं, हमें सिर्फ हमारी नियुक्तियाँ चाहिए जो हम जाके दिखाएंगे तो उनको भी लगेगा कि हमने हमारी बहू बेटी को अगर भेजा है तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही आएँ। हम झूठा आश्वासन तो बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे।